जैसे हमने स्थिर वेग के बारे में देखा था, उसी तरह हमारे पास समान त्वरण का भी केस होता है। दिए गए तालिका के लिए वीटी ग्राफ बनाएं। जब हम ग्राफ को देखते हैं, तो यह कुछ इस तरह लगता है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हम यहां देखते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। पिछले प्रकरण की तरह हम तय की गई दूरी का पता वीटी ग्राफ के अंदर के क्षेत्र का आकलन करके कर सकते हैं। समयावधि T1 से T2 के बीच तय की गई दूरी का आकलन करने का प्रयत्न करें। हमें पता है कि दूरी बराबर वीटी ग्राफ के अंदर का क्षेत्र, अतः इस मामले में दूरी बराबर होगा ABCDE का क्षेत्र बराबर आयत ABCD का क्षेत्र प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्र। आयत ABCD का क्षेत्र क्या होगा? AB गुना BC, और त्रिभुज ADE का क्षेत्र होगा आधा गुना AD गुना DE।